हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फ्रेश एंड टेस्टी पे। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी किचन में कुछ कुकिंग कर रही हूँ, वो आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ कैरेट मार्बल केक। और सर्दियों के मौसम में तो गाजर बहुत ही ज़्यादा मिलता है, और ये जो कैरेट मार्बल केक मैं बना रही हूँ वो टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी बनने वाला है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन रहेगी वो आपको बराबर मिलती रहे। तो चलिए आज की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक बर्तन ले लेंगे और उसमें डाल देते हैं 2 कप दूध। ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही दूध है, गर्म या ठंडा बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही साथ उसमें डाल देते हैं 1 चम्मच भरकर यानी 1 टेबल स्पून विनेगर। विनेगर डालकर इसको अच्छे से हम दूध के अंदर मिक्स कर देंगे। और देखिए हल्का सा कर्डल होना भी चालू हो गया है, तो ये जब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के साथ मिलेगा ना तो अच्छा रिएक्ट करेगा, और जिससे कि केक और भी फूलेगा। तो इसे हम छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। और अब मैंने एक ले लिया है बोल, और इसमें हम अब अपनी तैयारी कर लेते हैं केक की। तो डाल देंगे इसमें 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, आप बटर भी डाल सकते हैं इसमें। और इसमें डाल देंगे 3/4 कप चीनी, ये चीनी जो है पिसी हुई चीनी है, चीनी का पाउडर है। और इसको अच्छे से अब हम तेल के साथ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो मैंने उसी दूध का यूज़ किया है। और अब इसको हम अच्छे से बिल्कुल बीट कर लेंगे, क्रीमी टेक्सचर का होना चाहिए ये, इतना इसको बीट करना है कि। और साथ में डाल दिया मैंने वनीला एसेंस 1 चम्मच। वनीला एसेंस डालने के बाद भी आपको इसे अच्छे से फेंटना है। आप जितना इसको फेंटेंगे ना, केक आपकी उतनी फ्लफ़ी बनेगी और उसका जो टेक्सचर रहेगा बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। तो इसीलिए हमें इसे फेंटना बहुत ज़रूरी रहता है। अब मैंने बोल के ऊपर एक छन्नी रख दी है, और जितने भी ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हैं उसको अब हम इस पर डाल देंगे। तो मैंने लिया है यहाँ 1 कप गेहूँ का आटा, और इसके साथ डाल देंगे बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। आप चाहे तो यहाँ मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला है कि मैं एक हेल्दी केक बनाने वाली हूँ, गाजर का केक, इसलिए मैंने यहाँ पे व्हीट फ्लोर का यूज़ किया है, यानी कि गेहूँ के आटे का। और इन सबको अच्छे से मैंने छान लिया है, और अब उस दूध का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसको बहुत ही जेंटली हमको मिक्स करना होता है। ये देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया है, और इसको कर्टन फोल्ड मेथड से हम मिक्स करते हैं। अब मैंने एक और बोल लिया है, उसमें डाल देते हैं मिल्क। साथ में डाल देंगे यहाँ 1/2 कप यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ। यहाँ पे 3/4 कप मैं चीनी नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि यहाँ गाजर भी यूज़ करने वाले हैं और गाजर भी मीठा होता है, इसलिए 1/2 कप सफिशियंट है चीनी। तो मैंने इसमें चीनी डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, डाल देंगे, क्योंकि इलायची का पाउडर और वनीला जब मिक्स होता है ना तो उसका बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है। तो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं गाजर 1 कप, एकदम चॉप करके मैंने डाला है। आप चाहें तो उसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चॉपर में डाल के उसको अच्छे से क्रश कर लिया था, उसके बाद इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और फिर से हम एक छन्नी ले लेंगे, डाल देंगे उसमें 1 कप गेहूं का आटा, और साथ में डाल देते हैं बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच। और छन्नी को मैंने रख दिया है वेट अपने इंग्रेडिएंट्स पे, कहीं वो गीला ना हो जाए नीचे से। साथ में डाल दिया है मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। सबको अच्छे से छान लेंगे, और ये देखिए नीचे से छन्नी जो है वो गीला हो चुका है, जिसका मुझे डर था। और अब अच्छे से मुझे चम्मच से इसको मिलाते हुए पूरे इंग्रेडिएंट्स को छान लेना है। तो मैंने छान लिया है यहाँ पे, और अब सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दूध डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये केक का जो बैटर है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, और जो हमने पहले बैटर बनाया था वो थोड़ा ठीक हो चुका है। तो उसमें दूध डालकर उसको हल्का सा मिला देंगे, ताकि वो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए। मैंने एक टिन लिया है और उसमें बटर पेपर लगा दिया है। अब उसमें हम ये बैटर डालेंगे। पहले मैंने वनीला वाला बैटर डाला है,
फिर उसमें गाजर वाला बैटर डालेंगे, फिर उसके ऊपर वनीला डालेंगे, फिर गाजर, ऐसे ही करके हम पूरी तरह से इस टिन को फिल कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे हाफ फिल कर लिया है टिन को। यहाँ पे दोस्तों मार्बल का इफेक्ट पूरी तरह से नहीं आने वाला है क्योंकि ये लाइट कलर में है और ये पकने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। जो मैंने वनीला इस फ्लेवर डाला है वो भी ब्राउन कलर में आ जाएगा और गाजर का भी इतना अच्छा कलर नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे कलर वगैरह का यूज़ नहीं किया है। अब इसको बेक होने के लिए रख देंगे। मैंने ओवन को 180 डिग्री पे प्रीहीट होने के लिए रख दिया है, तो इसे 30 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से बेक हो चुका है। मुझे इसे बेक करने में करीब 35 मिनट्स लग गए थे क्योंकि ये अंदर से गीला ही था, तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए और बेक किया। और अब इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं एक ट्रे में। तो बहुत ही अच्छे से ये निकल जाता है क्योंकि मैंने बटर पेपर इसमें लगा दिया था। तो ये देखिए बटर पेपर मैंने हटा दिया है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो कि बहुत ही अच्छा आया है। और ये जो केक है बहुत अच्छे से फूला भी है, बहुत ही स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है हमारा। ये देखिए मैं आपको दबा के भी दिखाती हूँ ये कितना स्पॉन्जी है। तो इसे अब मैं कट करके आपको दिखाऊँगी इसका जो टेक्सचर है, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, हल्का सा इसमें मार्बल इफ़ेक्ट भी आया है। तो आप भी ज़रूर अपने घर में इसे ट्राई कीजिए क्योंकि ये तो गेहूं के आटे से बना हुआ है, काफ़ी हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसका फ्लेवर ऑसम है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएँ आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।